राज्यसभा के खाली हुई सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर पाला बदलने वाले आरपीएन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सहित 7 नेताओं ने बीजेपी से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई नेता मौजूद रहे। पडरौना रियासत से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 57 नेता रहे। कुंवर आरपीएन सिंह ने पिछले विधानसभा से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, वहीं उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कुशल राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा से यूपी कोटे से राज्यसभा भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, साधना सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, चौधरी तेजवीर सिंह ने भी नामांकन कर दिया है।